ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडे सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ, लेट्स सी व्हाट वी हैव डन। ओके, आई रिमेम्बर इन आवर लास्ट सेशन वी वर परफॉर्मिंग। द पास्ट पेपर्स ऑफ द चैप्टर दैट इज कॉल्ड द इंटरनेट कम्युनिकेशंस। नाउ आज के सेशन के अंदर बच्चों वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। दिस चैप्टर इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ योर ओ लेवल्स पेपर वन। बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं इस चैप्टर के अंदर। आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि ये चैप्टर आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए। वी कॉल दिस चैप्टर एज वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। सो बच्चों, व्हेन वी टॉक अबाउट वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, वॉन न्यूमैन वॉज एक्चुअली अ साइंटिस्ट। वॉन न्यूमैन कौन था हमारे पास? ही वॉज अ साइंटिस्ट, वॉन न्यूमैन। He suggested the design of the execution cycle. Simple words के अंदर Von Neumann ने suggest करा था कि how instructions, how data will be executed. आपका data किस तरह execute किया जाएगा, आपका processor का internal mechanism कैसा होगा। So this was recommended by the Von Neumann in 1940s, early 1940s के अंदर उसने रिकमेंडेशन दी थी आप हमें। उस वक्त इसकी रिकमेंडेशन किसी ने सुनी नहीं। Everyone rejected his recommendation. No one was talking about his recommendation. But 1970s के बाद जो Von Neumann ने मॉडल सजेस्ट करा था that your motherboard should be following these type of structures. So वही structure बच्चों क्या किया गया, फिर वही स्ट्रक्चर अब मॉडर्न कंप्यूटर्स के अंदर यूज किया जाता है। तो मॉडर्न कंप्यूटर्स के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं वो बेस करते हैं ऑन वॉन न्यूमैन मॉडल। नाउ एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन वॉन न्यूमैन। जो भी मॉडर्न डे कंप्यूटर्स हैं उनका प्रोसेसिंग साइकिल जो है वो वॉन न्यूमैन के ऊपर बेस करता है। सो वॉन न्यूमैन ने जो हमें रिकमेंडेशन करी थी In 1940s, उस वक्त इसकी बात किसी ने नहीं सुनी, लेकिन अब इसी का मॉडल यूज किया जाता है फॉर द एग्जीक्यूशन पर्पस। अब इस मॉडल की कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी, वो सारी वन टू ऑल करेक्टरिस्टिक्स हमें क्या करनी है, यहां पे बात करनी है। नाउ अगर मैं कुछ बेसिक पॉइंट बात करूं यहां पे कि व्हाट वाज द मेन पॉइंट ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स वर instructions will be executed in a sequence. So this was one of the major बच्चों एक बात थी Von Neumann model की कि instructions जो है वो क्या होंगे, एक sequence के अंदर execute किए जाएंगे। Further another thing that Von Neumann talked about was आपका जो प्रोसेसर होगा it will be consisting of a central processing unit. तो Von Neumann ने रिकमेंड करा कि now आपके प्रोसेसर के अंदर सीपीयू भी होगा। Von Neumann ने रिकमेंड करा कि इंस्ट्रक्शंस जो है वो सीक्वेंस के अंदर एग्जीक्यूट किए जाएंगे। फर्दर The major concept Von Neumann delivers was another one based on registers. So Von Neumann ने एक और चीज recommend करी कि ये जो model है हमारा, this model will be consisting of, will be based on registers.
ठीक है। अब रजिस्टर्स क्या होते हैं, आई टॉक बिफोर, आई टोल्ड यू बिफोर अबाउट द रजिस्टर्स इन आवर प्रीवियस क्लासेस, के रजिस्टर्स आर ए स्मॉल पोर्शन ऑफ मेमोरी, दे आर ए स्मॉल पोर्शन ऑफ मेमोरी एंड वी यूज रजिस्टर्स फॉर द एग्जीक्यूशन, वी यूज रजिस्टर्स फॉर द फॉर क्विक एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, बिकॉज दे आर ए स्मॉल पोर्शन ऑफ मेमोरी, तो इनके ऊपर जो एग्जीक्यूशन अप्लाई की जाती है दैट इज क्विक। ठीक है, सो हमने सीपीयू की बात कर ली, वी टॉक अबाउट द इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड इन सीक्वेंस बेस्ड ऑन रजिस्टर्स। वन मोर थिंग दैट यू शुड नो अबाउट वॉन न्यूमन वॉज स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। बच्चों प्रीवियसली क्या होता था आपके पास, एवरीथिंग वॉज स्टोर्ड इन रैम, हर चीज रैम में स्टोर की जाती थी। एज सून एज आप अपना सिस्टम टर्न ऑफ करते थे, आप अपना सिस्टम शट डाउन करते थे, ऑल द डेटा इन रैम गोज अवे, सब क्या होता था आपके पास डिलीट हो जाता था। तो वॉन न्यूमन ने रिकमेंड करा कि नहीं भाई ये तो गलत होता है, आपके जो इंस्ट्रक्शंस हैं एंड जो आपका डेटा है दैट शुड बी स्टोर्ड परमानेंटली, ये डेटा ये इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली स्टोर होने चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए कि आप जब अपना अपना कंप्यूटर टर्न ऑफ करते हैं तो सारा डेटा रिमूव हो जाता है। वॉन न्यूमन ने बोला भाई ये तो गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा शुड बी स्टोर्ड परमानेंटली। तो बच्चों दीज आर फोर मेजर पॉइंट ऑफ वॉन न्यूमन मॉडल, क्या क्या रिपीट करते हैं। नंबर वन के आपका मॉडल बेस करेगा ऑन सीपीयू, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, एवरी इंस्ट्रक्शन एवरी डेटा विल बी स्टोर्ड परमानेंटली, इट विल बी बेस्ड ऑन रजिस्टर्स, एंड द फोर्थ वन इंस्ट्रक्शंस विल बी एग्जीक्यूटेड इन अ सीक्वेंस। सो दीज आर द फोर मेजर पॉइंट्स ऑफ वॉन न्यूमन मॉडल। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और। अब बच्चों यहां पे हम लोग आज के सेशन में बात करेंगे अबाउट द रजिस्टर्स। लेट्स टॉक अबाउट रजिस्टर्स। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द रजिस्टर्स, रजिस्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स एंड अनदर टाइप ऑफ रजिस्टर्स आर कॉल्ड जनरल पर्पस रजिस्टर्स। सो आपके सिलेबस के अंदर दो तरह के रजिस्टर्स हैं, one registers are called general purpose registers and another type is called special purpose registers. bachcho general purpose register, register kya hota hai main wapas se recap karwa deta hu taki aap log ko yaad rahe register kya cheez hai, small portion of memory and why we use registers, we use registers for क्विक एक्सेस ऑफ मेमोरी। तो भाई ये मॉडल बेसिक इसके ऊपर करता है, सर ये मॉडल बेस करता है रजिस्टर्स के ऊपर। अब रजिस्टर क्या है, दो तरह के रजिस्टर्स होते हैं, एक रजिस्टर होता है आपके पास जनरल पर्पस रजिस्टर, द नेम ऑफ दैट रजिस्टर इज एक्यूमुलेटर। एक ही रजिस्टर है आपके पास जनरल पर्पस एंड द नेम इज एक्यूमुलेटर, और स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स की बात करें तो वी आर हैविंग फोर ऑफ देम, वैसे और भी होते हैं लेकिन आपके सिलेबस के अंदर चार रजिस्टर्स के बारे में आप लोगों ने बात करनी है। सर वो कौन कौन से रजिस्टर्स हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है हमारे पास MAR।
अनदर रजिस्टर दैट इज स्पेशल. अच्छा स्पेशल पर्पज मतलब इनका स्पेशल रोल है, उस रोल के अलावा ये और कोई रोल प्ले नहीं करते. लाइक देखे ना, अब टीचर का रोल क्या है, पढ़ाना. एडमिन स्टाफ का रोल क्या है, एडमिन संभालना. फाइनेंस डिपार्टमेंट का क्या है, फीस कलेक्ट करना. तो हर किसी का स्पेसिफिक रोल है एक. तो स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स का भी क्या होता है, स्पेशल रोल है, वो अपने रोल के अलावा कोई और काम परफॉर्म नहीं करते. ठीक है. सो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर वी हैव MAR. अनदर रजिस्टर दैट वी हैव मेमोरी data register that is MDR. another register we have that is called, abhi one by one main sare registers ke bare mein aap logo ko bataunga, that is called current instruction register, that is CIR, and the last register is called program counter, and the short form is PC. So these are the special purpose registers. We have four special purpose registers in our von Neumann model, starting with MAR, then we have MDR, then we have CIR, and then we have the last one, that is called the program counter. So now let's talk about the registers first. सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे अपने पहले register के बारे में, and this register is called program counter. Now when we talk about the program counter, अच्छा पहले सॉरी बच्चों यहां तक सारी बातें क्लियर है, जस्ट मेक श्योर जस्ट राइट डाउन क्लियर ऑन द चैट ऑप्शन सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड एंड आई कैन आल्सो एज्यूम के यू गाइस आर विद मी और आप लोग बिल्कुल परफेक्टली हमारी चीजें चल रही है. जस्ट राइट डाउन क्लियर ऑन द चैट ऑप्शन सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड. हसान उकाशा फातिमा अब आई कैन नॉट नेम Infinix Hot 10 Play. Thank you for promoting the brand. ठीक है, perfect हो गया, जबरदस्त. Thank you everyone. Let's move forward. जबरदस्त. आगे बढ़ते हैं बच्चों. अब बात करते हैं यहाँ पे about the program counter. सबसे पहले देखो बच्चों program counter का ना there is another name, एक और name है हमारे पास. And I think this is the right time that you should know that name. We also call program counter as sequence control register. We also call program counter as SCR, sequence control register as well. यहां लिख देता हूं मैं ऑल्सो कॉल्ड. बच्चों आप लोग की जो फैच एग्जीक्यूट साइकिल होती है वो फैच एग्जीक्यूट साइकिल कंट्रोल कौन कर रहा होता है, स्टार्ट कहां से होती है, वो प्रोग्राम काउंटर से होती है. ठीक है, जो आपके इंस्ट्रक्शन साइकिल है वो स्टार्ट कहां से होती है, वो प्रोग्राम काउंटर से स्टार्ट होती है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सीक्वेंस कंट्रोल रजिस्टर. तो ये पॉइंट भी मैंने आप लोग को लिखवा दिया कि why it is called sequence control register, because instruction cycle starts from program counter. आपकी instruction cycle program counter से start होती है, that's why it is called sequence control register. अब बच्चों मैंने आप लोगों के सामने एक memory, अब PC होल्ड क्या करता है, एक काम तो मैंने पीसी का बता दिया भाई कि आपकी इंस्ट्रक्शन साइकिल स्टार्ट करवाएगा. देयर इज अनदर रोल फॉर द पीसी एंड फॉर दैट पर्पस आई नीड टू ड्रॉ अ डायग्राम.
मैंने बच्चों आप लोग के सामने एक मेमोरी ड्रॉ करी है. व्हाट आई हैव डन, मैंने एक मेमोरी ड्रॉ कर दी. अब मेमोरी की जब भी बात करें तो मेमोरी के दो पोर्शंस होते हैं. वन इज कॉल्ड डेटा, वी ऑल्सो कॉल डेटा एज कॉन्टेंट एज वेल. तो एग्जाम्पल डेटा बोले कॉन्टेंट बोले बात एक ही है, ठीक है, सेम मीनिंग है. और दूसरा पोर्शन होता है हमारा मेमोरी का, दैट इज कॉल्ड मेमोरी एड्रेस. सो लेट्स से दिस वॉज माई मेमोरी 1001 1002 1004 sorry 3 1004 1005 1006. So these are my memory addresses. ये सब क्या है मेरे, ये मेरे memory addresses हैं बच्चों. अब let's say 1001 पे एक value store थी, that was Fatma. 1002 पे एक और value store थी, that was Ukasha. 1003 पे एक और value store थी, that was Dua. 1004 पे एक और value store थी, that was Usman. 1005 पे we were having another value, that was Uman. 1006 पे we were having another value, that was Fuzail. So her address के ऊपर we were having different values. अब बच्चों देखो, let's say currently ये instruction आपका क्या हो रहा था, this instruction was executed. ये इंस्ट्रक्शन क्या हो रहा था आप लोग का, एग्जीक्यूट हो रहा था. तो बच्चों आप लोग मुझे बता सकते हैं जो इंस्ट्रक्शन मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है करंटली इसका एड्रेस क्या है? तो आप लोग फौरन बोलेंगे सर द एड्रेस इज 1002. तो बच्चों प्रोग्राम काउंटर क्या होल्ड करता है, प्रोग्राम काउंटर होल्ड करता है एड्रेस, ये एड्रेस होल्ड करता है अपने पास. लेकिन किसका एड्रेस होल्ड करता है, जो भी करंटली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है ना उसके अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करता है. तो अगर करंटली 1002 एग्जीक्यूट हो रहा है तो प्रोग्राम काउंटर विल बी होल्डिंग द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, दैट विल बी 1003. अगर मेरे पास 1005 एग्जीक्यूट हो रहा होता तो प्रोग्राम काउंटर विल बी होल्डिंग 1006. So this is what program counter do. मैंने यहाँ पे आप लोगों को वर्डिंग की फॉर्म में लिखवाया, होल्ड द एड्रेस, एड्रेस होल्ड करता है और किसका एड्रेस होल्ड करता है, ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन to be executed. So program counter hold the address of the next instruction to be executed. Or program counter ko hum log ek aur naam se bhi call karte hain, that is called sequence control register. Why we call program counter as sequence control register? Because aapki fetch execute cycle, aapki instruction cycle start hoti hai from program counter. So this was the role of program counter bachcho over here. Now moving forward, aage badhte hain yahan pe ab, let's talk about another register, and this register is called memory address register. So bachcho as the name suggests, मेमोरी का एड्रेस होल्ड करेगा ये रजिस्टर आप लोग के पास. तो बड़ा सिंपल सा रोल है इसके पास. देखो अभी करंटली जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा था दैट वाज 1002, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पीसी होल्ड करता है. करंट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कौन होल्ड करेगा, आपका MAR. तो दिस वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन MAR.
सो जो भी करंटली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसका एड्रेस कहां पर होगा? MAR के पास बच्चों, दैट्स इट अबाउट MAR. और कोई नई चीज नहीं है MAR के बारे में. तो मैंने यहां पे आप लोग को लिखवाया होल्ड. The address of the current instruction to be executed. So this was all about MAR. MAR के बारे में कोई नहीं, इससे ज्यादा कोई बात नहीं है. बस आप लोग को ये पता होना चाहिए कि MAR क्या करता है, एड्रेस होल्ड करता है. और भाई किसका एड्रेस होल्ड करता है? जो भी करंट इंस्ट्रक्शंस आपके पास एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं तो उसका एड्रेस आपका MAR होल्ड करता है. दैट्स इट अबाउट MAR. नाउ बच्चों लेट्स मूव फॉरवर्ड अबाउट द नेक्स्ट रजिस्टर. लेट्स सी द नेक्स्ट रजिस्टर इज कॉल्ड एम मेमोरी डेटा रजिस्टर. सो एनीवन वांट टू सजेस्ट अनदर नेम मेमोरी डेटा रजिस्टर का? बच्चों एक और नाम होता है कभी, अगर किसी बच्चे ने पढ़ा हो तो आई वुड लव टू नो. अगर किसी बच्चे ने पढ़ा हो मेमोरी डेटा रजिस्टर का अनदर नेम, देयर इज वन अनदर नेम मेमोरी डेटा रजिस्टर का, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर होगा. If anyone remember, नहीं फातमा ने हमें ऑप्शन दिया यहाँ पे, दैट इज वेरी डिफरेंट. नहीं ये तो नहीं होता हमारे पास. ठीक है, सो मेमोरी डेटा रजिस्टर ऑल्सो कॉल्ड MBR, memory buffer register भी कहते हैं इसे बच्चों, memory buffer register. And I hope आप लोगों को buffer का idea होगा. buffer क्या होता है? buffer is temporary storage area. So buffers क्या होते हैं आपके पास? They are temporary storage areas. ठीक है, so MDR is also called memory buffer register. अच्छा जी, अब आते जरा यहां पर जो मैं डायग्राम ड्रॉ करी थी हम लोगों ने. तो भाई नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन होल्ड कर रहा था? भाई नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होल्ड कर रहा था सर पीसी. करंट एड्रेस कौन होल्ड कर रहा था? भाई सर MAR. तो बच्चों करंट एड्रेस के ऊपर जो डेटा होता है, लाइक 1002 के पास हमारे पास उकाशा है, तो उकाशा विल बी स्टोर्ड इन MDR. MDR में हमारे पास क्या आ जाएंगे? उकाशा आ जाएगा. तो MDR क्या होल्ड करता है? जो भी आप लोगों का करंट इंस्ट्रक्शन हो, जो भी आप लोगों का करंट डेटा हो, वो MDR होल्ड करता है. ठीक है, सो ये बात भी हम लोगों ने नोट करी जरा यहां पे. होल्ड डेटा या इंस्ट्रक्शंस ऑफ of the current instruction to be executed. So जो भी आप लोग current instructions होते हैं that are to be executed, उसका जो data होगा, उसके जो instructions होंगे, वो कौन hold करेगा? MDR hold करेगा. So we have seen till now तीन registers हम लोग देख चुके हैं, program counter, MAR, MDR. Let's move forward towards another register. This is called
CIR, current instruction register. Current instruction register, CIR. But so when we talk about the CIR, okay, we have a question. So what is the difference between MAR and MDR? ठीक है फातिमा, अच्छा question है. देखिए फातिमा बेटा, M जो भी आपका current instruction execute हो रहा हो ना, like let's say हमारे पास 1002 execute हो रहा था, ठीक है? So इस instruction का जो address है, address भी होगा ना, दो चीजें होती है, address and data. जो address है वो MAR के पास होता है, और जो इसका डेटा है, जो इस इंस्ट्रक्शन का डेटा होगा, दैट विल बी इन एमडीआर. तो एमएआर एड्रेस होल्ड करता है और एमडीआर डेटा होल्ड करता है. सो दैट्स द डिफरेंस. एक रजिस्टर एड्रेस होल्ड कर रहा है और दूसरा रजिस्टर उस एड्रेस के ऊपर जो डेटा है, जो कंटेंट है, वो स्टोर कर रहा है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एमएआर एंड एमडीआर. एक एड्रेस होल्ड करता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, and the next register holds the data on that address. Okay? So I hope aap log ko ye difference clear ho gaya hoga. Let's move forward. Okay, now let's talk about the CIR. तो जो भी आप लोग के करंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो इस रजिस्टर के अंदर बच्चों एग्जीक्यूट किए जाते हैं. करंट इंस्ट्रक्शंस आर डिकोडेड. डिकोडेड मैं आप लोगों को बाद में लिख पाऊंगा. डिकोडेड and executed in this register. So all your current instructions are decoded and executed in CIR bachcho. So bas this was about CIR ke aapke current instruction decode और एग्जीक्यूट किए जाते हैं इन करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. सो दीज आर ऑल द रजिस्टर्स. अच्छा एक रजिस्टर रह गया भाई, एक्यूमुलेटर. दैट वाज अ जनरल पर्पस रजिस्टर. ऑल्दो दैट वाज अ जनरल पर्पस रजिस्टर ऑल्दो, लेकिन इस रजिस्टर के बारे में भी आप लोग को पता होना चाहिए अबाउट एक्यूमुलेटर. यही लिख देते, एक्यूमुलेटर की जगह अवेलेबल है. तो एक्यूमुलेटर क्या होता है आपके पास? पहली बात तो आप लोग को लिखवाई दी है मैंने कि इट्स अ जनरल पर्पस रजिस्टर यूज्ड टू होल्ड रिजल्ट्स. तो बच्चों जो भी आप लोग एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हैं, जो भी आप लोग अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेंगे, तो जो रिजल्ट आता है वो कौन होल्ड करता है? एक्यूमुलेटर होल्ड करता है उस रिजल्ट को. तो एक्यूमुलेटर होल्ड दैट रिजल्ट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड. ओके वी हैव अ क्वेश्चन. सो so this is related to program execution. This means whenever we execute a data, it is stored in MDR. थोड़ी सी तुम्हारी फुजाइल स्टेटमेंट चेंज करूंगा.
whenever we are going to execute a data, before execution, data is stored in MDR. Before execution, instructions and data is stored in MDR before execution. After execution, मतलब execution जब हो जाती है आपकी, तो आप CIR की तरफ move करवा देते हैं. Whatever the data is, whatever the content is, जिसको execute करना है, उसको आप MDR से CIR के पास ले जाते हैं. तो execution CIR में होती है, but before execution, data कौन hold करता है आपका? Data hold करता है आपके पास आपका MDR. ठीक है, तो बाकी स्टेटमेंट तुम्हारी करेक्ट है. अब बच्चों देखो, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं. मजेदार चैप्टर है आपके पास, आप लोग को अच्छा लग रहा होगा. देखिए कितना अच्छा हम लोग पढ़ते हुए जा रहे हैं, आराम आराम से मजे मजे में. अब बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे एक सवाल आता है, मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के मेजर कंपोनेंट्स का नाम बताएं. मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, एनीवन. जिसके बगैर कंप्यूटर चल ही नहीं सकता बच्चों. मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, एनीवन, कोई भी. अच्छा चलिए मैं हिंट देता हूं आप लोगों को. देयर आर थ्री मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर. वन टू थ्री. चले हमारे पास फातिमा ने बता दिया और इन्फिनिक्स हॉट प्ले ने भी बता दिया. दैट इज द राइट आंसर. मुझे नाम बता दो अपना ज्यादा बेटा. सो दैट इज सीपीयू. फुजैल ने भी हमें बताया बच्चों. फुजैल तुम्हारा आंसर थोड़ा सा चेंज करूंगा. फुजैल ने बताया कि सर द नेक्स्ट वन इज मेमोरी. ठीक है रुहान, रुहान ने भाई सीपीयू बता दिया हमें और फुजैल ने बता दिया सर दिस विल बी मेमोरी एज वेल. एंड द लास्ट बच्चों मेजर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर इज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. सो दीज आर द थ्री मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर. इसके बगैर आप लोगों का कंप्यूटर नहीं चल सकता. उमर हार्ड डिस्क मेमोरी के अंदर आ जाएगा. मेमोरी के अंदर दोनों मेमोरीज आ जाती हैं आपके पास. दैट इज अभी हमारा इसके बाद वाला चैप्टर मेमोरी का ही है. दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. यू आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज लाइक हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क, हाउ दे एक्चुअली वर्क. तो काफी डिटेल्ड चैप्टर है हमारे पास वो. सो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट एज वेल. हमारा अगला चैप्टर वही है. ठीक है. एंड फर्दर आज जब क्लास एंड कर रहा मैं आफ्टर दिस टॉपिक, तो मैं आप लोग के बारे में थोड़ा सा एग्जेम्पशन के बारे में भी बात करूंगा आप लोगों के साथ. पेपर टू की जो एग्जेम्पशन कैम्ब्रिज ने ऑफर करी हुई है, सो उसके लिए भी मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा थोड़ा सा आफ्टर दिस टॉपिक. ठीक है. सो लेट स्टार्ट. सो बच्चों अब ये मेजर कॉम्पोनेंट है ना आप लोग के, इन मेजर कॉम्पोनेंट्स के अंदर डाटा मूव होता है, इंस्ट्रक्शन मूव होंगे, एड्रेसेस मूव होंगे. तो इनको मूवमेंट के लिए बिटवीन ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस, द मूवमेंट ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस एंड एड्रेसेस बिटवीन दीज मेजर कंपोनेंट्स, वी हैव बसेस. हमारे पास बसेस होती हैं इन अ कंप्यूटर जो इन तीनों मेजर कंपोनेंट्स के दरमियान डाटा की मूवमेंट करवा रही होती है, एड्रेसेस की मूवमेंट करवा रही होती है, इंस्ट्रक्शंस की मूवमेंट करवा रही होती है. सो दोज बसेस आर थ्री. We call them as system buses, and we have three system buses: control bus, we have data bus, we have address bus. So we are having three buses. We are having three buses
in a computer, control bus, data bus, and address bus. Yes, Rohan. अब देखो, अब मेजर पॉइंट के ऊपर आते हैं. ये तीनों बसेस ना, इन तीनों कंपोनेंट्स के दरमियान डाटा मूव करवा रही होती है. सर ये कैसे मूव होती है डाटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर. स्टार्टिंग विद, आप लोग को पता है एक कॉम्पोनेंट है आप लोग का, दैट इज सीपीयू. एक कॉम्पोनेंट आप लोग का मेमोरी. Another component is IO devices, and we are having three buses, namely control bus, we have address bus, and we have data bus. So we are having three buses and three components. Ab bachcho, let's start with control bus. So control bus and CPU bachcho, they both can communicate to each other. Ye bi-directional buses hoti hain, aur ye CPU ke paas bhi ja sakti hai. CPU bhi inko instruction forward kar sakta hai. When we talk about control unit and control bus and memory, तो यहां से भी इस यूनिट के साथ भी these buses are bi-directional. And when we talk about IO devices and control bus, तो इसके साथ भी बच्चों these buses are bi-directional. अब जब मैं डाटा बस की बात करूं तो डाटा बस भी बच्चों bi-directional. With CPU, data bus is bi-directional with memory. And data bus is bi-directional with input-output devices. तो बच्चों यहां तक तो आप लोग को याद हो गया होगा कि भाई control bus and data bus kya hai, they are bi-directional with major components of a computer, CPU, memory and input output devices. Sirf yaad kya rakhna hai aap logon ne, you need to remember about the address bus. Bachcho CPU se address bus ki taraf instruction sirf aa sakte hain, wapas nahi ja sakte. Ye baat yaad rakhiyega, it's a unidirectional bus. और एड्रेस बस से आप जा सकते हैं टुवर्ड्स मेमोरी, वापस नहीं आ सकते. और एड्रेस बस से आप लोग जा सकते हैं टुवर्ड्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और यहां से भी आप लोग वापस नहीं आ सकते. तो ये एरो की जो डायरेक्शंस हैं, ये आप लोग को बच्चों याद रखना है. दिस डायग्राम माइट एग्जामिनर गिव इन द एग्जामिनेशन एंड आस्क यू टू ड्रॉ द एरोज. तो आपको बड़ा सिंपल सा फिनोमेना है, कंट्रोल बस बाइडायरेक्शनल विद एवरीवन, डेटा बस बाइडायरेक्शनल विद एवरीवन, बट एड्रेस बस सीपीयू से सिर्फ एड्रेस आ सकता है, और एड्रेस बस कैन एड्रेसेस कैन मूव टुवर्ड्स मेमोरी एंड इनप्रॉपर डिवाइसेस, लेकिन वहां से रिवर्ट बैक नहीं हो सकते. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द बसेस. अच्छा, बसेस के बारे में ऑफकोर्स नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आप लोग को डिटेल में लिखवाऊंगा भी कि कंट्रोल बस क्या होती है, डेटा बस क्या होती है, एड्रेस बस क्या होती है. देयर आर लॉट्स ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑल दीज बसेस. देन वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द मेजर यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर्स लाइक कंट्रोल यूनिट. वी हैव अनदर यूनिट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. देन वी हैव मेमोरी यूनिट. देन वी आर हैविंग अनदर डायग्राम, एक बड़ी बेसिक सी डायग्राम है एक और, वो भी मैं आप लोग को
नेक्स्ट सेशन के अंदर बनवाऊंगा बच्चों, ठीक है। तो आज इसको बस हम लोग आप यहीं तक होल्ड करेंगे इंशाल्लाह ताला, अगले सेशन में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं रिगार्डिंग द एग्जेम्प्शंस बच्चों। ओके सो एग्जेम्प्शंस बच्चों इज बीइंग ऑफर्ड बाय कैम्ब्रिज, पेपर टू की एग्जेम्प्शन आप लोग को ऑफर कर दिए कैम्ब्रिज ने। आप लोग को पता है CS 2210 यू आर हैविंग टू कॉम्पोनेंट, वन इज P1 एंड द अदर वन इज P2। P2 वॉज 40% ऑफ द होल सिलेबस एंड P1 वॉज 60% ऑफ द होल सिलेबस। सो कैम्ब्रिज आप लोग को ये ऑप्शन देता है कि आप सिर्फ पेपर वन में अपियर हो जाएं एंड आप लोग का टोटल ग्रेडिंग विल बी डिपेंडिंग ऑन P1। पेपर टू आप लोग क्या कर लें, एग्जेम्प्ट कर लें, आप अपियर ही ना हो पेपर टू के अंदर, गो विद द एग्जेम्प्शन। आप सिर्फ एक पेपर में अपियर हो गया, आप लोग अपना पूरा ग्रेड क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं, वॉट एवर यू आर गोइंग टू स्कोर इन पेपर वन दैट विल बी टोटली डिपेंडिंग ऑन योर ग्रेड। तो बच्चों फ्यूचर सॉरी पास के अंदर भी बच्चों ने एग्जेम्प्शन ऑफ करी थी एंड वी हैव सीन जिन बच्चों ने एग्जेम्प्शन ऑफ करी थी दे आर हैविंग सम वंडरफुल रिजल्ट्स, अच्छा रिजल्ट दे रहा है एग्जामिनर। ऑल्दो लास्ट सेशन में तो आप लोग का जुलाई मिनी सीरीज हो गई थी, वहां पर सिर्फ ऑफर ही पेपर वन हुआ था, लेकिन उससे पहले भी जिन बच्चों ने ए लेवल्स के अंदर भी एग्जेम्प्शन ऑफ करी है और उससे पहले वाले बैच के अंदर भी जिन बच्चों ने एग्जेम्प्शन ऑफ करी थी, सो एग्जामिनर ने काफी अच्छे ग्रेड दिए जिन बच्चों ने भी एग्जेम्प्शन ऑफ करी थी। अब एग्जेम्प्शन ऑफ करने के एडवांटेज ये है कि देखिए एट द डे एंड आपका ग्रेड जो है वो इंप्रूव हो जाएगा, आपका ग्रेड अच्छा आ जाएगा एग्जेम्प्शन ऑफ करने के बाद। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये कि आप लोग को सुडो कोड की बेसिक आप लोग को नहीं आएंगी, एक पूरा मेजर पोर्शन होता है, बच्चे फिर इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ते। मैं पढ़ाऊंगा तो जरूर, पेपर टू भी पढ़ाऊंगा मैं, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ऑल्दो अगर हम लोग एग्जेम्प्शन के साथ जाएंगे भी, लेकिन स्टिल आई विल बी टीचिंग पेपर टू बच्चों, बिकॉज जिन बच्चों को ए लेवल्स में कंप्यूटर साइंस ऑफ करनी होगी तो ए लेवल्स के अंदर आपके पास कंप्यूटर साइंस के अंदर पेपर टू के अंदर सूडो कोड्स भरे में, तो अगर आप लोग अभी नहीं पढ़ेंगे तो फिर बाद में जाके यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम व्हाइल सॉल्विंग व्हाइल स्टडिंग योर ए लेवल्स, ठीक है। सो ये बात आप लोग को बड़ा क्लियर कट आप लोग को पता होनी चाहिए। खैर इसके अलावा भी अभी आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। हाँ फुजैल, मैं पाइथन बिल्कुल सिखाऊंगा आप लोग को और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारी चीजें आप लोग को ऑफ करवाऊंगा, लेकिन रिकमेंड मैं यही करूंगा, मेरी तरफ से यही रिकमेंडेशन होगी कि वी शुड गो विद द एग्जेम्प्शन, बिकॉज पेपर टू जनरली बच्चों का ग्रेड क्या करता है, खराब करता है। पेपर टू में ग्रेड स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, बिकॉज देयर आर मोर चांसेस कि आप लोग सुडो कोड के अंदर आप लोग एरर कर देते हैं और आप लोग के नंबर्स कम हो जाते हैं और ओवरऑल आप लोग का ग्रेड खराब हो जाता है। सो खैर लेकिन स्टिल अभी वी हैव टाइम, तो मैं आप लोगों को पेपर टू भी पढ़ाऊंगा, इसकी बेसिक्स पढ़ाऊंगा और आप लोगों को पाइथन भी मैं बेसिक्स सिखाऊंगा। लेकिन एट द डे एंड आप लोग के स्कूल वाले भी आप लोग से अभी ऑप्शन देंगे, तो बेटर ऑप्शन इज वी कैन गो विद द एग्जेम्प्शन, बिकॉज आई नो देखिए कोविड का ड्यूरेशन था, आप लोगों ने पिछले 9-10 इट वॉज अ हैक्टिक ईयर फॉर यू पीपल एज वेल, लॉट्स ऑफ बर्डन, बहुत बर्डन था आप लोग के ऊपर कि पेपर हो रहे हैं नहीं हो रहे, देन द क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, आई नो ऑल्दो स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप लोग को यू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, तो लर्निंग प्रॉपरली नहीं हो पाई हमारी। सो ये कुछ हमारे डिसीजंस थे जो मैंने बाकी टीचर्स के साथ भी कुछ डिस्कस करे थे, कंक्लूजन था हमारा ये सर अगर P1 अच्छा नहीं हुआ वी हैव टू चांस टू कवर इट अप इन P2। देखिए फातिमा P1 अच्छा ना हो इसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि पेपर वन के अंदर स्ट्रेट क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। हाँ पेपर टू अच्छा ना हो इसके चांसेस हमारे पास ज्यादा होते हैं। सो खैर इसके ऊपर अभी हम लोग बाद में भी डिबेट करेंगे, अभी आज हम लोग इसको यहीं तक होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में इसके ऊपर अब फर्दर बात भी करेंगे, ठीक है। चलें थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।